Hi, my name is Sarthak Arora and you're watching RocketTech. और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कितने टाइप्स ऑफ कैंपेन कर सकते हैं फेसबुक एड्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने स्क्रीन खोल चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें एक नए कैंपेन को मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी मेरे सामने हैं जो फेसबुक चाहता है कि मैं सिलेक्ट करूँ कौन सा कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ। तो आपको इन तीनों टाइप के जो कैंपेन है, अंदर सब टाइप में जो कैंपेन है, उन सबको समझना चाहिए पहले आप, जिससे उससे पहले कि आप रन करें इसको। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन, देखिए अवेयरनेस कैंपेन काम आते हैं जब आप किसी ब्रांड की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका टारगेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रीच करना होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बंदों को आपको रीच करना है, तो आप अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आप फेसबुक हर कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है अपने एंड से, चाहे आप जोन सा मर्जी कैंपेन करें, कंसिड्रेशन करें, कन्वर्जन करें, अवेयरनेस करें, फेसबुक अपने एंड से उसको हमेशा ऑप्टिमाइज करता है, और वो बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, तो अब अवेयरनेस की वापस बात करते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन में क्या होता है, फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है इस कैंपेन को मैक्सिमम रीच के लिए। अगर आप कंपेयर करेंगे अवेयरनेस कैंपेन को किसी भी कंसिडरेशन या कन्वर्जन कैंपेन के लिए, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूँ इंगेजमेंट कैंपेन, एक इंगेजमेंट कैंपेन को और एक अवेयरनेस कैंपेन को, तो इंगेजमेंट कैंपेन में जो आपको रीच मिलेगी, जैसे सपोज कीजिए आपने 100, 200 रुपये या 300 रुपये पर डे का कैंपेन चालू किया इंगेजमेंट पे, और इंगेजमेंट कैंपेन में जो आपको रीच मिलेगी लोगों की, वो आपको मिलेगी अराउंड 200 से 500 रुपये पर 1000 इंप्रेशंस के अराउंड। बट आप अवेयरनेस कैंपेन में अगर देखेंगे तो वही रीच आपको 1000 इंप्रेशंस की जो कॉस्ट है वो आपको 10 से 12 रुपए की पड़ेगी। बट उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये रीच है सिर्फ, और इसमें आपका जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है क्योंकि आपका टारगेट मैक्सिमम रीच था, जबकि इंगेजमेंट में भी आपका टारगेट इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट अचीव होता है वहाँ पे, बट वो फेसबुक से ऑप्टिमाइज होके होता है। फेसबुक को मालूम है कि कौन से बंदे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे आपके कंटेंट पे, तो वो उन्हीं को ऐड दिखाता है, वो ऑप्टिमाइज करता है, जबकि अवेयरनेस में ऐसा कुछ भी नहीं वो सोचते, ना कोई ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो सिर्फ रीच पे ऑप्टिमाइज होता है। तो दूसरा टाइप जो है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 टाइप के कैंपेन्स हैं। एक है सबसे पहले ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। तो मुझे लगता है ट्रैफिक तो सबको मतलब नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये ट्रैफिक कैंपेन है। इस कैंपेन के अंदर आपके लिंक्स होते हैं, आपका कोई लैंडिंग पेज है या फिर आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाना है कहीं और पे, तो आप ट्रैफिक कैंपेन लगाते हैं। सेकंड टाइप आता है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट के अंदर भी 3 टाइप के होते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्सेज आप देख सकते हैं। तो पोस्ट इंगेजमेंट होता है कि जैसे आपने कोई पोस्ट किया उसको आपने बूस्ट करना है, बट जब आपके पास पेज पे बूस्ट वाला बटन होता है उसमें आप ऑडियंस के ज़्यादा खेल नहीं सकते, इसके अंदर आप ऑडियंस पूरे ढंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेज लाइक, अगर आपको अपने पेज पे ज़्यादा लाइक्स चाहिए, आप यहाँ से इस कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और आपके पेज पे लाइक्स आने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा है इवेंट रिस्पॉन्स। इवेंट, अगर आपने कोई इवेंट बनाया हुआ उसको आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो सही तरीका यहाँ से इवेंट रिस्पॉन्स पे बूस्ट करना है। जो तीसरा कंसिडरेशन कैंपेन है वो है ऐप इंस्टॉल्स। अब ये स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए बना है जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं या एप्लीकेशन की मार्केट है, जैसे ई कॉमर्स की कोई एप्लीकेशन है आपकी, या फिर कोई आपकी गेम की एप्लीकेशन है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो फेसबुक उसको भी प्रमोट करता है, आपके डाउनलोड्स पर टारगेट करता है, अलग अलग कॉल टू एक्शन के साथ आप उसका प्ले कर सकते हैं। तीसरा, चौथा जो है वो वीडियो व्यूज़ है। अगर आपके पास, आप कोई चैनल चला रहे हैं और आपको ज़्यादा वीडियो व्यूज़ चाहिए, तो आप इस टाइप के कैंपेन पे जा सकते हैं। तो पांचवा कंसिडरेशन टाइप जो है वो है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जो आपको बिजनेस लीड्स प्रोवाइड कर सकता है, आपके क्लाइंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है, और ये पिछले कुछ 2 सालों से बहुत ही पॉपुलर कैंपेन टाइप है। अब इसमें होता क्या है कि आपको कैंपेन के साथ एक लीड फॉर्म मिलता है, तो कोई भी आपके कॉल टू एक्शन पर जब क्लिक करता है तो वो लीड फॉर्म खुल जाता है, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक जो सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी बात भी है इस लीड फॉर्म की, कि जितने आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रीफिल्ड होते हैं इस लीड फॉर्म में, जैसे कि आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जो फेसबुक के पास ऑलरेडी है इन्फॉर्मेशन, तो फेसबुक क्या करता है जैसे आप लीड फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीफिल्ड आती है। अब ये अच्छी बात इसलिए है कि आपको लीड्स बहुत फटाफट बहुत कम पैसों में मिल जाती है, और बुरी बात ये है कि कई लोग कंफ्यूज होके सबमिट का बटन दबा देते हैं, और जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि यार हमने तो लीड सबमिट ही नहीं करी। तो इससे बचने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, हम एक वीडियो अलग करेंगे जिसमें आपका सिर्फ लीड कैंपेन की हम बात करेंगे। अगर हमने वो वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको कहीं पर डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर स्क्रीन पर कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा।
तो छठा जो कैंपेन है कंसिडरेशन टाइप वो है मैसेजेस। तो देखिए आप आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है मैसेंजर मार्केटिंग भी। मैसेंजर मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप अपने सब्सक्राइबर्स को रीच कर सकते हैं, और साथ में सबसे बढ़िया चीज़ जो मैसेंजर मार्केटिंग की है वो है कि आपका जो ओपन रेट है, देखिए ईमेल मार्केटिंग जो है ओपन रेट उसका 17-20% का ओपन रेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। बट मैसेंजर मार्केटिंग में मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो 80% तक का ओपन रेट मिलता है आपके सब्सक्राइबर बेस में। तो इसकी भी हम एक डिटेल वीडियो करेंगे बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है हमारे पास, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकते। तो इसमें होता क्या है कि आप कैंपेन रन करते हैं और कॉल टू एक्शन में हमेशा मैसेज का ही बटन होता है, तो कोई बटन दबाता है तो आप उसको डायरेक्टली मैसेंजर पे ला सकते हैं अपने और चैट करना शुरू कर सकते हैं वहीं पे इंस्टेंटली। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी कस्टमर से यूज़र से इंगेज होने का, और साथ में और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम एक मैसेंजर मार्केटिंग के ऊपर पूरी वीडियो करेंगे। तो तीसरा जो आपका मेजर कैटेगरी टाइप है कैंपेन के लिए वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखिए जो अगर तो आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो कन्वर्जन से बढ़िया कैंपेन आपके लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्जन में आप सेल्स का कन्वर्जन कर सकते हैं जिसमें शॉपिंग कन्वर्जन आप डाल सकते हैं, शॉपिफाई जैसी वेबसाइट्स को आप बड़े आसानी से अटैच कर सकते हैं अपने फेसबुक मैनेजर से थ्रू पिक्सल, फेसबुक पिक्सल के, उसकी भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ज़रूर फ्यूचर में। बट अभी के लिए मैं ब्रीफ देना चाहूँगा कि आपका शॉपिंग कैंपेन हो गया विद स्पेसिफिक आपके कॉल टू एक्शन, जैसे कि कन्वर्जन स्पेसिफिक कन्वर्जन, जैसे कि आप ऐड टू कार्ट कन्वर्जन ले सकते हैं, अपना व्यू ले सकते हैं, इंप्रेशंस ले सकते हैं, आपका सेल्स भी आप ले सकते हैं, और साथ में साथ आप इसमें अपनी कैटलॉग भी डाल सकते हैं ऐसे कैंपेन्स में जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स शोकेस होंगे फेसबुक पे और वो बिकने के उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और साथ में अगर आपके पास कोई कस्टम कन्वर्जन आपने सेटअप किया हुआ है अपने लैंडिंग पेज में या फिर अपनी वेबसाइट में, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस कैंपेन को चला सकते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है फेसबुक मार्केटिंग के, बट उसके बारे में भी हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपके तीन अलग अलग टाइप के कैंपेन्स हैं और ये आपके अंदर उनके अराउंड 9-10 जो टाइप के कैंपेन्स हैं अंडर सब कैटेगरी में वो सारे थे। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज गेन हुई, और अगर हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों थैंक यू, मेरा नाम सार्थक अरोड़ा है और आप देख रहे थे रॉकेट टेक।